डायलॉग मतलब संवाद, संवाद की बात कर रहे हैं, डायलॉग का मीनिंग लोग तो नहीं मेरे भाई, ये तो मार दिया अगर है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज जन्माष्टमी पर पहुंचा हूं कालू कुडल की गौशाला में। रात के अंधेरे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर सुनसान इलाका है, हर जगह मंदिरों में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज लाइटिंग लगाई गई है और जिस प्रकार से रोशनी फैलाई गई है हर गौशाला में, हर मंदिर में। तो आज कालू भाई क्या चर्चे हैं, क्या चक्कर भाई? राम राम। सबसे पहले तो भिवानी अपडेट चैनल के ऊपर जितना भी दर्शक है उन्हें सारा राम राम कालू कुडल की और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप वाले साथियों को बोल दो फिर फॉलो भी मारला, साथिया ने मारला तो आप फॉलो कर देंगे। आज इस तरह जन्माष्टमी एक कोई सो दिन थोड़ी हो मारी, तो भाई जन्माष्टमी 363 दिन हो महीना में, कहा 362 बाकी मारी, तो 365 दिन जन्माष्टमी रहा है, देख सच्चाई। नहीं वैसे मैं बात करूंगा कि हर गौशाला में हर मंदिर में आज लाइटिंग की बात की जाए बेमिसाल लगा रखे हैं, जैसे कि 5-स्टार होटल में भी नहीं होती। वैसे आपकी चलो ले उनको दिन छोड़ो, पहली को हो रहे होगा मारो जिस तरह आज आए हो भाई, छोड़ो दिन जिस तरह आज एक ड्रीमो कंपनी है उन मरकरी यही व्यवस्था जो है वह करवाई है सारी और बढ़िया चमक चांदनों जिस तरह वास्तव में मान गया हम तो पहले ले लिया, लेकिन जिस तरह दुखी हो गया था ये मरी मिट्टी कदे तो पानी तो फ्यूज हो जा कदे क्या ही तो हो जा, लेकिन ये वास्तव में जिस तरह मरकरी लगाई है आज आड़े भाई यार तो बढ़िया लगाई है तो दिखाई तो नहीं दे रही वो लाभ। आप जलवा के तो दिखा दें भाई साहब, जलवा के हाथ के ऊपर शीर्षम कदे भी आरी को नहीं हुआ कर टाइम लग रहे हैं मतलब रात को ही तो और क्या करेंगे, रात नहीं चांदना बेरो पाटा को तो जिस तरह दिन में तो मरकरियां देखे को टेस्टिंग हो जाए ना लाइट लग चुके या नहीं भाई हो जाएगी इतना जिस तरह भाई लाउन लग रहा है। हम इस को एक बार पॉज करते हैं और ये देखिए ये आ गई लाइट। तो कालू भाई जस्ट 2 सेकंड के अंदर तार लाया ही। अच्छा हाँ। मैंने सोचा जादू कर दिया और कालू कुडल की गौशाला में जादू तो होंदो आर तो मैं तो पहली मरकरी टांग टूंग की नाड़ कर दी मार जो गाड़ लेकिन तार तुर लाए अगला मरकरी टांगी बेचारा टेम तो देख लाग गए नू तावड़ में तो बावड़े बनया कर, बाकी अगर बढ़िया काम कराना हो तो देख टेम लाग सका ये बेचारा गौ माता ना पे जाए और इन जिस तरह इनकी कंपनी थी ड्रमो उसकी मरकरी लाई हैं और शेफल भी बेचारा कट्टो भर के शेफल लिया ही भी साइड बना से भीतर चांदनो चांदनो हो जाओ परमात्मा की दया तो देख सच्चाई की बात तो यस हाँ। लेकिन आज स्पेशल जन्माष्टमी पर मैं जन्माष्टमी ना स्पेशल कौन मानू हाँ सब ये भाई भी माननी है लेकिन मैं कौन मानू क्योंकि भक्ति करने वाले लोग ये मानते हैं कि ना, 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 की वो और गायों को तो स्पेशल कृष्ण भगवान से जोड़ आपा तो सुन मेरी बात 365 दिन जन्माष्टमी रहे हमारे तो भाई आधी रात 2 बजे ही देखो तो भी जन्माष्टमी सर दिन में ही देखो तो भी जन्माष्टमी जी कालू 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 मानने वाले नहीं है भाई साहब। और अब तो रात का समय है, रात को तो लाइव आने का समय होता है कालू कुडल का, तो आपको पता है वो बड़े जोश में होते हैं और आवेश और जिस प्रकार से उनके चेहरे पर तेज होता है। लेकिन आपको दिखा दूँ इस लाइट की कृपा अब बरसेगी चांदनी के रूप में और आपको देख लें एक बार आप देख लें एक बार इतनी तकली लाइट है और शायद कंपनी वाले लोग भी आपने बताया अरे हिमे भाई ड्रीमो कंपनी वालों से तो पहले मिला लेकिन अचानक मेरे पास कॉल आई और ऐसे में पहुंचा हूं कि कालू कुडल की गौशाला में अचानक आज तकड़ी चांदनी होने वाली है, चांदनी रात बनाने वाले हैं ड्रीमो कंपनी वाले जी। भाई साहब आप शास्त्री जी राम राम एक बार पहले भी मिले हैं आज गौशाला में, आज स्पेशल हर कोई मंदिरों में भजन गा रहा है और आप गौशाला में यहाँ एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में पहुँचे। सबसे पहले तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी शहरों में रोशनी जगमगाई हुई है और आज हम स्पेशल गौओं के पास आए हैं और ड्रामोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने और उनके जो सदस्य यहाँ आए हुए हैं उन्होंने गौ माता के लिए रोशनी के लिए यहाँ व्यवस्था की है। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, भाई कुडल को भी कालू कुडल को भी धन्यवाद करता हूँ और ड्रामोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी ये प्रार्थना करता हूँ आगे भी यह कार्य करते रहे, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक। तो आपने कहा कि सदस्य भी आए हैं तो मैं जो भी यहाँ गौशाला में सदस्य यहाँ घूम रहे हैं एक बार ड्रामो कंपनी के मेरे साथ आएँ और दिखाएं कि आपकी लाइट की कितनी पावर है, कितनी ताकत है और आज स्पेशल आपने एक नई रोशनी लाने की कोशिश की है यहाँ स्पेशल, तो आ जाएं और देखेंगे मैं एक बार शायद इस लाइट की क्या मैं चर्चा करूं भाई साहब ज़बरदस्त। ये मानिए आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, जैसे यहीं से तो हम पूर्व दिशा में ये लाइट लगी हुई है और आप देख सकते हैं जैसे कि सूर्य भगवान ने
जन्म ले लिया हो और उदय हो चुका है सूर्य भगवान का, लेकिन रात का समय है फिर भी आप लाइटिंग की व्यवस्था देखिए और उस लाइटिंग की पावर की बात करेंगे कंपनी वालों से स्पेशल। जी आज कई मेंबर आए हैं स्पेशल गौशाला में। जी नमस्कार। कैसे मन बना कि गौशाला में आज इस प्रकार से जन्माष्टमी पर हर जगह रोशनी है मंदिरों में, लेकिन गौशाला में और कालू कुडल जो कि राजस्थान के नज़दीक एक गौशाला चला रहे हैं लोहारू क्षेत्र में कुडल गांव है, यहां पहुंचे आप स्पेशल? कालू कुडल भाई साहब का बहुत दिनों से नाम सुन रहे थे और कई बार मैंने इनकी वीडियो देखी, तो इनकी वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा था, तो मेरा आज मैंने स्पेशल जन्माष्टमी का अवसर था और ये प्रोग्राम बनाया कि भाई गौशाला में चलते हैं, और इसी के साथ फिर मैं एक ये अपनी लाइट थी 200 वाट की लाइट है ये, और तो ये लगाई आज देखी हमने और आप सभी देख रहे हैं भाई इसका रोशनी वगैरह। तो टेस्टिंग थी लाइट की भी वैसे, और सबसे पहले आपने सोचा कि ये गौशाला में ही सबसे पहले शुरुआत की जाए, इससे पहले भी चल रही है? नहीं, लाइट तो चल ही रही है सर, लाइट तो हम पहले भी बेच रहे हैं, मार्केट में जा भी रही है। आज ये था कि भाई यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है खेतों में, ये भाई ने अपनी गौशाला बना रखी है और यहाँ पे कई पीड़ित गऊ हैं, इनका भी रोशनी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी यहाँ पे। इलाज इनके इलाज में कहीं ना कहीं थोड़ा इलाज में भी, तो हमारा ही एक छोटा सा सहयोग है भी कंपनी की तरफ से कि रोशनी तो हर जगह होनी चाहिए ये, और ये तो एक धर्म का स्थान है, इस जगह पे रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये हमने उचित समझा कि भाई यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए। कंपनी का भी कुछ आपका एक ऐसा टैगलाइन आपने बना रखी है जो कि शाइनिंग इंडिया है ऐसा कुछ? कंपनी की टैगलाइन है सर, बात देश की है, तो देश में जहाँ भी अंधेरा होगा हम कोशिश करेंगे वहाँ पे ख़त्म करें। अच्छा, मैं एक बार वो जो भाई यहाँ पर अगर आपका कोई मेंबर वहाँ पे खड़ा हो तो मैं दिखा भी दूँ, इस लाइटिंग की पावर है और स्पेशल आप देख सकते हैं खेतों में आपको ज़बरदस्त रोशनी दिख रही होगी। भाई साहब मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये लाइट बंद करके दिखाऊँगा और उसको ऑन करने की भी मैं कोशिश करूँगा, अगर आप में से कोई टेक्निकल पर्सन वहाँ पर खड़े हों तो एक बार बंद करके जस्ट उसे ऑन कर दें और उसके बाद हम देखेंगे। देखिए इस रात की रोशनी की पावर कालू कुडल की गौशाला में जिस प्रकार से, इस कंपनी का नाम तो अभी हर कोई जान चुका है क्योंकि 10 दिन पहले एक वीडियो और आई थी और बहनों को फ्री लाइटें बांटी थी इस कंपनी ने, अब स्पेशल जन्माष्टमी पर ऑफर लेके आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ अंधेरा छा चुका है और अब दोबारा से ऑन कर दें उसे और पावर देखिए आप, हम इस लाइट से कम देखिए कितनी दूरी पर खड़े हैं और उसके बाद देखिए आप किस तरीके से ये लाइट जो ज़बरदस्त यहाँ पर रोशनी फैला रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और ये जो नज़ारा है अब देखने लायक है। तो मैं दूसरे कंपनी पर्सन हैं इनसे भी बातचीत करूंगा। जी आप स्पेशल पहले भी आते रहते हैं? हाँ, कालू भाई के पास पहले भी आए थे गौशाला में, तो यहाँ देखा भाई गौशाला में जो पीड़ित गऊ हैं उनको देखकर भाई लाइट की ज़रूरत थी तो यहाँ पे लेके आए लाइट को। कालू भाई से तो पहले मिले थे, आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आज जो ये लाइट है इसकी वजह से देखो आप दिख रहा आपको साफ ही, लाइट की समस्या थी वो बहुत ज़्यादा जो इसकी दूर हुई है। अच्छा, तो मैं आपको दिखा दूँ और कालू भाई से भी एक बार कहूँगा कि कालू भाई अब कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसे तो लाइटिंग पहले से भी आपने पर्याप्त कर रखा है। चांदनो तो महसूस तो किसो कर रहा है, लियो मारो। आप सामने वाले पे बड़ा थोप देते हैं भाई साहब, बातें करना सीख गए कालू कुडल ना, इसी कोई बात को नहीं, बाकी मैं जिस तरह कल ही बात न मैं कराया करूँ हूँ मेरा और माँ आपा भीतर तो बोला ना कदम नकली बात करा ना, मैंने जिस तरह सुहा बनावटी बातें नहीं आती है अपने मन में, वो बोला लिखता मैं कौन जिस तरह मान ले तारा घरी चांदनो तो किसी का आवास हो। अच्छा। तो यो मारो घर से यार हमी अड़ रहा हड़ मारे जिस तरह, तो आठ चांदनों बड़ा खुशी थी यार बनाए मेरा बटाई जिस तरह। मैं दिखा भी दूं एक बार, वो आपके यहाँ आपने सेट भी जबरदस्त व्यवस्था स्टार्ट कर दी है गौशाला में, हम उसकी उसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा, यहाँ इस तरफ चलेंगे थोड़ा सा, चल भाई थोड़ा सा, और रात का समय है लेकिन मैं आपको जिस प्रकार से दिखा दूं ये सीन रात के समय यहाँ पर कालू कुडल ने ज़बरदस्त एक नई स्टार्टिंग की है और अब गौ माता को ना तो बारिश का सामना करना पड़ेगा ना ठंड में वो ठिठुरेंगी, क्योंकि ये जब शेड बन के तैयार होगा यहाँ पर लाखों रुपए का लोहा पड़ा। कदे जिस तरह कोई साथी आड़े तो देख की नहीं, अगर बंद कर दे तो ना करियो, एक बार ये नकली पंथी की बात आड़ ना करियो इस वीडियो ने, एक तो पहली बात तो शेयर करियो, दूसरी बात है शुरुआत करते हैं इस साइड वाली बात की जो कि बात तो थी आ मरकरिया की, आज जन्माष्टमी के ऊपर थार ले गए और चांदनों जिस तरह बढ़िया एंडी चांदनों जाए, लेकिन इस साइड की एक खास बात मैं बता दी हूँ तुमने, इस साइड के अंदर स्पेशल अंधी लंगड़ी और तीन पैरों की गऊ के लिए हमने इस साइड की व्यवस्थाएँ की हैं, और भाई जिस तरह बढ़िया भाई है संदीप जोधू, इधर भाई यार
परमात्मा दे हो ना और हर जिस तरह ई भी हो हवादार सेट बन ना करो इसके हमें से पेशेली इनके खातर एंडी काम हो जाओ जन्नत हो जाएगी। आपा मार्बल की टुकड़िया भी ना आपा नींद को नहीं आवा बढ़िया मखमल का गद्दा चाहिए क्या इनके लिए हम छाया भी मतलब नहीं बना सकते। तो भाई परमात्मा ने इन माइया ही दया थे सुनीर मरमटे यो काम चलन लाग रहे से परमात्मा ही दया थे यह है बात। कालू कुड़ल के भाई साहब जिस प्रकार से डायलॉग होते हैं देसी आदमी है लेकिन ना ना मुंह से जो निकलता है डायलॉग मतलब संवाद संवाद की बात कर रहे हैं डायलॉग का मीनिंग लोग अलग नहीं मेरे भाई ये तो मार दिया अगर है अब आठ बोला अपना मन में आएगी वाकाट की फेंक दी भी। डायलॉग का मतलब संवाद वार्तालाप ही होता है वो इंग्लिश में लोगों ने हीरो के साथ जोड़ दिया तो डायलॉग अलग चीज हो जाती है। मैं आपको दिखा दूं जिस प्रकार से यहाँ पर एक छोटे से राजस्थान के नजदीक लगते है लोहारू क्षेत्र के एक छोटे से कोने में शुरुआत की थी भाई ने और अब जिस प्रकार से यहाँ पर विदेश से हिंदुस्तान से हरियाणा से भिवानी से लोगों का प्यार मिल रहा है कालू कुड़ल को वो जबरदस्त लगातार काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से यहाँ पर आज लाखों रुपए का लोहा पड़ा है मैं आपको दिखा दूँ लाखों रुपए का लोहा पड़ा है ये जालियाँ लग पड़ी हैं और यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने छोटी सी भी डोनेशन की है उसका आशीर्वाद गौ माता का जो आशीर्वाद है उसके ऊपर हमेशा बना रहेगा वो क्योंकि वर्षों तक ये जालियाँ नहीं जानी कहीं पे भी। ये लोहे के जो पाइप यहाँ पर पड़े हैं एक ईंट जिसकी लगी है ये जो यहाँ पर ये डस्ट जो यहाँ पर तैयार की जाती है मसाला तैयार किया जाता है ये एक एक कण जिसका लगा है वो वर्षों तक चलेगा और गौ माता जो भी यहाँ पर आती हैं एक्सीडेंटल जिनको कोई रोड पर मार के गिर देता है जिनको कोई खेत में से लाठी मार के पैर तोड़ देता है पैर काट देता है कुल्हाड़ी चला देते हैं उन गौ माताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करें तब तक के लिए धन्यवाद राम राम जय हिंद।